भारतीय महिला टीम का पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2020 खिताब जीतने का सपना ऑस्ट्रेलिया ने चूर चूर कर दिया। मेजबान टीम ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत को 85 रनों से शिकस्त दी। मैच को मुनी और हिली की बैटिंग ने काफी हद तक एक तरफा बना दिया। दोनों की 50 की बदौलत मेजबान ने 4 विकेट पर 184 रनों का पहाड़ सरीखा स्कोर खड़ा किया और गेंदबाजों ने पहली बार फाइनल खेल रही भारतीय टीम 99 रनों पर रोकते हुए उसके खिताबी सपने को चढ़ना शुरू कर दिया। ये पांचवा मौका था जब ऑस्ट्रेलिया ने इस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया। ऑस्ट्रेलिया महिला टीम ने इस टूर्नामेंट का खिताब पहली बार 2010 में जीता। इसके बाद उसने 2012, 2014, 2018, 2020 में खिताबी पंच कर दिया। उसके नाम सबसे ज्यादा खिताब जीतने के रिकॉर्ड आपको बताएं, सलामी बल्लेबाज वेथ मुनी और एलिसा हिली ने शुरुआत में उन्हें जीवन दान का फायदा उठाते हुए अर्धशतकीय पारियां खेली और ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ 4 विकेट पर 184 रनों का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में मदद किया। मुनी ने नाबाद 78 रन बनाए लेकिन हिली ने 75 रन की पारी खेलकर सुर्खियां बटोरी, जिनका कैच शेफाली वर्मा ने पारी की 5वीं गेंद पर छोड़ दिया। इन दोनों ने भारतीय गेंदबाजों पर मैदान के चारों ओर रन जुटाए। उन्होंने 39 गेंद की पारी के दौरान 7 चौके और 5 छक्के जमाए, तो वहीं 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद उम्मीद थी कि टूर्नामेंट में फीका प्रदर्शन करने वाली कप्तान हरमनप्रीत कौर अपने बर्थडे पर कुछ खास करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बड़े लक्ष्य के दबाव में वो भी एक चौका लगाने के बाद हवाई शॉट खेल बैठी। जॉनसन की गेंद पर उन्हें ब्रॉन्डर ने कैच किया तो वो 7 गेंद में 4 रन बना पाई। इसके बाद भारतीय उम्मीदों ने ढलाना शुरू किया। इसके बाद वेद कृष्णमूर्ति और दीप्ति शर्मा ने मोर्चा संभाला और तकरीबन 9वें ओवर में 50 रन पूरे किए, लेकिन ये साझेदारी बहुत देर तक ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को विकेट से दूर नहीं रख सकी। किमिस ने वेद कृष्णमूर्ति को 19 रनों पर निजी स्कोर पर जॉनसन के हाथों कैच आउट करा दिया और इस जोड़ी ने 28 रन जोड़े। दीप्ति शर्मा 17वें ओवर की पहली गेंद पर कैरी की गेंद पर आउट हुई तो उन्होंने 34 गेंदों में 33 रन की पारी खेली। इसके बाद शिखा पांडे एक, राधा यादव एक का विकेट गिरने में दूरी नहीं हुई। ऑस्ट्रेलिया के लिए स्कॉट ने सबसे ज्यादा 4 जबकि जॉनसन ने 3 विकेट झटके। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।